हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा ड्रीम है लद्दाख जाने का, और वो कब पॉसिबल हो पाएगा कुछ नहीं पता। अभी तो मेरा लाइसेंस नहीं बना। 2000 years later. ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है, चलो चलते हैं वापस वीडियो में। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग फ्रॉम हानले। टाइम हो चुका है सुबह के 9। मैं अपनी पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। काम क्या करना है, बाइक में इंजन ऑयल डालना है। अभी हम निकलने वाले हैं उमलिंगला के लिए। ले से एक्स्ट्रा ये सर्वो का इंजन ऑयल ले लिया था, तो इसको डालते हैं बाइक में। उमलिंगला करने के लिए पहले किसी का मूड नहीं था, बस मेरे को अकेले ही जाना था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ सबका मूड कर गया और सभी जाने वाले हैं, पांचों के पांचों राइडर। और यहाँ पे गाइस दिक्कत एक आ रही है, आसपास 200 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, हमको ओपन पेट्रोल लेना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे सब लोग जो है रेडी हो चुके हैं उमलिंगला के लिए। 1 2 3 4 5 पांच राइडर जाने वाले हैं उमलिंगला, तो देखते हैं भाई चढ़वा दिया फिर नहीं। मेन तीनों बाइक चढ़ जाएंगी, इसमें दिक्कत आएगी, इसमें दिक्कत आएगी 100% नहीं है, लेकिन आ भी सकती है, क्या भरोसा भाई। बाकी तो रास्ते में पता चलेगा, तो चलो चलते। चलो गाइस लास्ट बाय बाय बोलते हैं हानले को, क्या पता भाई फिर से आना पड़ जाए, क्योंकि अगर लेट हो गए ना, लेट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 11 बज चुके हैं यार, 6-7 बजे निकलना था लेकिन यार 11 बज चुके हैं, सबको रेडी होने में टाइम लग गया, मैं तो सबसे पहले रेडी हो गया था। अभी यहाँ से पेट्रोल लेना, ओपन पेट्रोल, फिर उमलिंगला करना है, वापस आना है, वापस देखते हैं अगर टाइम बचा तो आगे निकल जाएंगे, नहीं टाइम बचा तो फिर यहीं पे स्टे करना पड़ेगा, वो सब देखते हैं भाई। तो गाइस अभी तक हम लोग हालने में है, यहाँ से ओपन पेट्रोल लिया है, हमारे दो राइडरों का कोई इतना पता नहीं है, दो राइडर यहाँ पे है अपने साथ, परेशान कर दिया यार, ये घंटा हो लिया पता नहीं कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, होम स्टे भी देख लिया, आसपास की जगह भी देख ली, अब हमको लेट हो रहा है उमलिंगला के लिए, तो उमलिंगला तो करना ही है। पे आधे से ऊपर टैंक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेट्रोल वाइज। तो यार हमारे दो राइडर नहीं मिल रहे हैं, मेरे को लग रहा है यार उनको जाना ही नहीं उमलिंगला, तो वो कहीं पे छिप गए हैं ऐसा हमको लग रहा है, तो हम तो करेंगे उमलिंगला। तो खाने पीने का सामान पीछे ले लिया पूरा, पानी की बोतल, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं आने वाला, प्रिपेयर फुल है, तो चलो चलते हैं उमलिंगला। तो गाइस यहाँ पे हानले का चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपका परमिट चेक होता है, और यहाँ से जो लेफ्ट साइड में रास्ता चढ़ता है, उधर से आओगे तो लेफ्ट साइड में रास्ता चढ़ता है, ये जाता है सीधा फोटूला। फोटूला यहाँ पे 55 किलोमीटर, फोटूला है 28 और लोमा 65, ले 47, फोटीला क्रॉस करने के बाद आएगा 40, तो वहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर उमलिंगला की चढ़ाई स्टार्ट। जोर नहीं लगा रही, जितनी खाट दूंगा भाई ना उतनी है, एक मिनट उतर गया तू। तो गाइस यार अभी एक दिक्कत और होगी, जो स्प्लेंडर वाला भाई था लुधियाना से, उसकी बाइक मिसिंग मारी है चढ़ाई में, तो वो भी नहीं जा सकती, रिस्क नहीं ले सकते भाई, पूरे रास्ते पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान है, परिंदा पर नहीं मारता, तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हमने उसको लोमा बैंड यानी कि लोमा पोस्ट में भेज दिया है, हमने बोला कि हम वहीं आएंगे रात तक, 5-6 घंटे लग जाए फिर 7 घंटे लग जाए, तो वहीं मिलियो, हम तेरे को वहीं से पिक कर लेंगे, तो वहां चला गया। और दो राइडर का पता नहीं है भाई वो कहां से भाग गए, उनको शायद करना नहीं था इसलिए भाग गए, वो खाली बचे हैं सुनील सर और मैं, जिक्र करने के लिए, और हम करेंगे। फ्यूल की कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूल आधी टंकी से ऊपर है, आना जाना पड़ेगा 200-250 किलोमीटर, आराम से हो जाएगा, उमलिंगला करके ही मानेंगे। अभी सामने आएगा फोटीला, दूसरा रोड भी जाता है जो कि नरपुरे से जाता है, लेकिन वो रास्ता यार कच्चा है और 30-40 किलोमीटर फालतू भी पड़ता है, और ये रास्ता थोड़ा ठीक है, बता रहे थे कि ऑफ रोड है इतना, लेकिन उस रास्ते जितना ऑफ रोड नहीं है, तो हमने ये वाला रास्ता चूज किया फोटीला वाला, तो इसी रास्ते से चढ़ेंगे थोड़ा सा ऊपर फोटीला, फोटीला से उतरेंगे और फिर वहां से आएगा उमलिंगला के लिए रास्ता। तो गाइस यार ये फोटीला का रास्ता जो है बिल्कुल सुनसान है, उमलिंगला का रास्ता उससे भी सुनसान है, आर्मी के चेक पोस्ट भी थोड़े मोड़े हैं, एक दो रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन भाई ज्यादातर ये रोड बहुत ज्यादा सुनसान है, अगर किसी को कुछ हो गया अकेला है तो भाई फिर उसको पैदल ही 2-3 दिन में वापस आना पड़ेगा, मतलब बाइक वाइक खराब हो गई तो यार यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। चलो अच्छा हुआ, पहले तो मैं सोच रहा था कि अकेला ही करूंगा क्योंकि किसी का मूड नहीं था, और मेरे साथ एक राइडर और आ चुका है, वो थोड़ी सी अच्छी बात है, और सामने बर्फ दिख रही है शायद, मेरे को लग रहा है वही फोटूला पास होने वाला है, तो देखते हैं कौन सा है। तो भाई ये देखो सेकंड गियर है, फुल थ्रोटल है और स्पीड है 5 की, भाई ये फोटीला पास भी ऐसा हो रहा है, आगे क्या होगा भाई, सेकंड गियर में पास की स्पीड चल रही है, और यहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी गई है 50 की, कहाँ से चलेगी 50 पे, अच्छा सुपर बाइक और गाड़ी चल सकती है, ठीक ठीक ठीक, हमारी तो पलटी ना यार, फोटूला की चढ़ाई पे भाई दमसा तोड़ती दिख रही है मेरे को, हौसले जो बुलंद थे मेरे वो टूटते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भाई सामने मैंने इनसे पूछा था कि रोड कैसा है, कह रहे कि मिट्टी डाली जा रही है, अभी फर्स्ट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट में चढ़ेगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, फोटूला भी हमको नीचे से जाना चाहिए था यार, कोई बात नहीं फोटूला भी देख लेंगे, आते टाइम नीचे से जाएंगे भाई, यहाँ से नहीं आएंगे। तो भाई जी एक शॉर्टकट था जो कि मैंने लिया है, जो कि बहुत ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पे पैर से मेरे को धक्का लगा के बाइक चलानी पड़ रही है, दम तोड़ रही है भाई, सीधे रोड से जाना चाहिए था, पैर लगा के चलानी पड़ रही है भाई ऊपर, थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया और थोड़ी सी मेहनत, बिल्कुल भी नहीं चढ़ रही भाई रोड दिख रहा थोड़ी सी दूर है,
वो राइडर आ रहे अपने। हवा का झोंका पीछे से आ रहा है जो कि हेल्प कर रहा है और ऊपर चढ़ने में। भाई साहब फाइनली बहुत आसान कट कर दिया मैंने। तो यार फोटिला टॉप रोड तो बिल्कुल एक नंबर का है, ब्लैक टॉप रोड है पूरा, अभी अभी बनाए, आने चाहो तो आ सकते हो पर शॉर्टकट बदल लेना। भाई एक शॉर्टकट ने हालत टाइट कर दी भाई, पेट की नस्सी सर गई मेरी। यार मारते मारते बीच का लगा था कि नहीं चढ़ेगी ऊपर, लेकिन किसी तरीके से मैंने चढ़ा दी भाई शॉर्टकट से। अब मैं चाहे 20 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़े लेकिन शॉर्टकट नहीं लूंगा, जैसे वो आ रहा वहां से शॉर्टकट ऐसे। वो देखो भाई कितना शॉर्टकट है, वो हमें ऐसे ऐसे घूम गए, वो कच्चा रास्ता ऊपर से बड़े भाई को तो मैं भाई वही से लेके जाता 100 cc है इसलिए नहीं लेके जा रहा। भाई साहब कितना रास्ता कट करते, जैसे देखो हम कितना घूम के आए, ये जो सीधा रास्ता है ना ये सीधा शॉर्टकट था फोटला चढ़ने के लिए, और ऐसे ही आगे एक और रास्ता ये है, ऐसे ऐसे करके सीधा चढ़ते जाता है रोड, थोड़ा ऐसे अप स्लोप पे घूमते घूमते जाता है रोड। कोई बात नहीं, रोड के साथ हम भी घूमेंगे और फोटला चढ़ेंगे फिर उमलिंग ला। वो यार रोड कैसे आ रहा है घूम घूम के सांप की तरह, हम भी घूम रहे हैं सांप की तरह रोड पे। भाई साहब फोटला मैंने सोचा था आसान होगा लेकिन बिल्कुल नहीं है, उमलिंग ला कैसा होगा यार, मैं तो वो देख के हालत टाइट हो रही है। सर आगे चल रही उनकी तो 350 cc है बुलेट, सॉरी मीटियोर है, क्या दिक्कत आएगी उनको, तो दिक्कत तो हमें आएगी पलटी ना, कोई बात नहीं। फोटो वोटो मेरे को यही दिख गया, वो रहा बिल्कुल ऐसे जाएंगे तो 2 किलोमीटर है, घूम कर जाएंगे तो 20 किलोमीटर। भाई साहब कितना रोड घूम रहा है। भाई साहब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड गियर में भी चल रही भाई, फर्स्ट गियर में चलानी पड़ रही है मेरे को फुल थ्रोटल के साथ, उसमें भी चल नहीं रही है। एक बार फोटो चल जाए उसके बाद सीधा रास्ता है यार, पास यही होता है, मतलब हमें उस साइड जाना है, इधर पहाड़ है उधर पहाड़ है, जहाँ से सबसे कम रास्ता है वहाँ से पास बना रखा है पूरा रोड के साथ। तो यार देखो हमको कितना घूम के आना पड़ा ऐसे ऐसे, फिर बहुत पीछे से 500 मीटर, और वो देखो छोटा सा रास्ता सीधा ऊपर तक जाता है लेकिन वो भाई बहुत खड़ी चढ़ाई है, मेरी पलटी ना चढ़ने से रही भाई। और एक शॉर्टकट ये भी था, ये देखो मतलब ये नीचे आपको रोड दिख रहा होगा, एक सेकंड दिखाता हूँ, ये रोड है सीधा यहाँ से आना है, 1 किलोमीटर बच जाएगा। भाई साहब 1 किलोमीटर फालतू घूमना पड़ रहा है, 100 cc कोई बात नहीं सह लेंगे। जब हो गया इसलिए डिफिकल्टी स्टार्ट, यहाँ पे मिट्टी वाला रोड है और पता नहीं कहाँ तक चलने वाला है वाला रोड आ गया, सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, कल तो हुआ है तो जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सामने, बिल्कुल प्लेन ब्लैक टॉप रोड है, रास्ता पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, रास्ता देखते हैं। जैन सर उमलिंगला टॉप जा रहे हैं सर, शॉर्टकट अच्छा अच्छा अभी जा सकते हैं, यहाँ से तो नहीं निकल पाएंगे। ठीक है नीचे उतारना पड़ेगा गाइस, वहाँ पता नहीं चढ़ेगी या फिर नहीं चढ़ेगी मेरी बाइक, सर की तो चढ़ जाएगी 350 cc, कोई बात नहीं मारते हिम्मत थोड़ी सी। तो यार मेरे को यहाँ से लेके वहाँ तो खींचनी है, बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आई डोंट थिंक सी की पलटी ना बिना पैर लगाए चढ़ पाएगी, पैर लगा के चढ़ा दूंगा भाई, कहीं भी चढ़वा लो पैर लगा के, तो मतलब ऐसा भी नहीं की पूरा माउंट एवरेस्ट ही चढ़ जाएगी, देखते हैं भाई चढ़ेगी या फिर नहीं। कम ऑन पलटी ना, नहीं चढ़ रही भाई बिना पैर लगाए, पैर लगाने पड़ रहे हैं और बीच में मिसिंग भी मार रही है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, फुल थ्रोटल है फर्स्ट गियर में, मोमेंटम खराब हो रहा है, रेस नहीं बढ़ाऊंगा मोमेंटम बनाए रखूंगा। चढ़ 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 भाई चढ़ रही है, जितना सोचा था उतना मुश्किल तो नहीं है ये, पहले वाला शॉर्टकट जो है बहुत मुश्किल था, ये तो कुछ भी नहीं है, फर्स्ट गियर में फुल थ्रोटल है, भागते जा रही है भैंस किया। अरे भाई सेकंड में स्पीड कम हो रही है, मोमेंटम भी कम हो रहा है, चढ़ जा बिना पैर लगाए चढ़ रहा है अभी, ये चढ़ गई बिना पैर लगाए भाई, और यहाँ से भी चढ़ा दे क्या, नहीं भाई आगे ब्लैक टॉप रोड है तो क्यों रिस्क लेना। सर कहाँ रह गए, गिर गए क्या, नहीं आ रहे। अभी तक का सबसे चैलेंजिंग पास है, मैंने कोई ऐसा पास नहीं चढ़ा जहाँ पे बाइक बस फर्स्ट गियर में चढ़ती जाए, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कंटिन्यूस 2 किलोमीटर से फर्स्ट गियर में हाथ थ्रोटल के साथ लेके आ रहा हूँ बाइक को, और लेफ्ट साइड में पूरी खाई है भाई, सांस चढ़ चुके, हालत पतली हो चुकी है। फोटिला टॉप एक बार चढ़ जाए, उमलिंगला भी चढ़ेंगे, मिट्टी और भी स्ट्रगल कर रही है मेरे से, बस थोड़ा सा ही आगे चल रही है, और एक जगह तो मेरी बाइक मतलब बिना पैर लगाए चढ़ेगी, और मिट्टी और दम तोड़ दिया पैर लगा के, धक्का मार के निकालनी पड़ी, मेरी कोर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को लगा सर गिर गए थे, कोई बात नहीं चलते आगे। तो भाई ये देखो प्लेटिना का स्ट्रगल रियल है यार, अभी सर की वाइफ फंस गई थी, मैंने पैर मार के निकाल दी, लास्ट में आ गए थे बंदे बीआर वाले अपने आप, लेकिन सर की वाइफ 3-4 बंदा ने निकलवाई जबकि मेरी 2 बंदों ने, अकेले भी निकाल लेता यार पर क्या करूं, धक्का मारा है सांस बहुत चढ़ रहे हैं। भाई इस फाटल वाले रोड से आओ तो 1 साल बाद आना, 1 साल बाद रोड सारे सही हो जाएंगे, ये नीचे ब्लैक टॉप रोड है, ऊपर से बनाते हुए आ रहे हैं ये लोग, लेकिन नहीं नीचे से बनाते हुए जा रहे हैं थोड़े थोड़े पैच, कोई बात नहीं थोड़ी सी दूर है वहां तक और जाना है, फाटल टॉप फिर आ जाएगा, फाटल टॉप से उतरने के बाद ही रिलैक्स मिलेगा। हाइट ही बहुत ज्यादा भाई यहाँ पे, हालत टाइट हो रही है क्या ही बताऊंगा, फर्स्ट गियर में चढ़ रही है। सामने जो है एक और मुसीबत, पत्थर आ चुके हैं, थोड़ा सा निकालनी पड़ेगी, मोमेंटम नहीं तोड़ना है।
चढ़ जा। चढ़ गई, 40 मीटर के पत्थर थे बस, सर की तो आराम से चढ़ जाएगी आई थिंक। रुक गई, पलटी ना चढ़ गई भाई, बुलेट में स्ट्रगल हो रहा है, मीटियोर में सॉरी। 100 cc इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। माँ कसम आसक, जितने पास देखे हैं ना, जितने देखे हैं उनमें से सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक मेरे को ये लगा। हाइट वाइज नहीं, गाड़ी पहले के एयर में 5 की स्पीड में चढ़ रही है, बुलेट हो या फिर प्लैटिनो या फिर स्प्लेंडर हो, सारी ऐसी चढ़ेंगी भाई। इतनी खड़ी चढ़ाई है, पूरा ऑफ रोड है, भैंस की आंख, टांग दर्द करने लगी, इतनी जगह धक्का मारना पड़ा, मतलब उतर के नहीं बैठे बैठे। फाटू ला टॉप, वी आर कमिंग, वी लोड सब, यस। क्या हो रहा है, चल चल चल, रुकना नहीं है तेरे को, पलटीना। 200 मीटर बचा है बस, 200 मीटर कितना हुआ, 100 मीटर तो हो गया, शायद अगले मोड पे है। फाटूला टॉप, आई थिंक हम बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं, इससे टॉप पे कुछ भी नहीं है, पत्थर है बस, इससे ऊपर रोड बनाया जा सकता, तो आई थिंक यहाँ से डाउन स्लोप जाने वाला है और यहाँ पे बोर्ड मिलने वाला है। फाटूला टॉप, वॉइस ऑफ वो नीचे से पहाड़ जो जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई है वो कितनी ऊपर लग रहे थे और अब बिल्कुल लेवल पे है। यहाँ पे आर्मी का टैंक खड़ा है, ये फाटूला टॉप यही है शायद, सामने झंडे बंधे हुए। जैन सर, फाटूला टॉप यही है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। फाइनली फाटूला टॉप, ओ बोर्ड का है सामने, ब्लैक टॉप रोड भी बना हुआ है, मतलब बन रहा है, सामने काम चालू है। तो मैं झंडे को क्या हो गया, झंडे के चक्कर में गिरूंगा भैंस की आंख। अभी थोड़ी सी चढ़ाई और बाकी है, बोर्ड यहाँ पे नहीं है, बोर्ड का वो सामने फाटूला टॉप, फोटूला या फोटीला पता नहीं, फोटीला, फोटीला पास, एल्टीट्यूड 18124, फाइनली आई डिड इट विद पल्टीना, भाई साहब मजा आ गया। सो गाइस निकलते हैं फोटीला टॉप को बाय बाय बोल के, ज्यादा देर रुकना सही नहीं है, और 18,500 फीट की हाइट पे 18,124 नीचे जाएंगे तब थोड़ी राहत मिलेगी। यहाँ पे सांस भी बहुत ज्यादा चढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं किया है, बस फोटो क्लिक किए उसमें सांस चढ़ गए, और भाई साहब हवा मत पूछो इतनी ठंडी है, मैंने दो जैकेट पहन रखी है, दो ब्लोवर और उसके नीचे इनर भी, मेरे को ठंड लग रही है, पूरी दांत कपकपा रहे हैं मेरे। मेरे को सामने ब्लैक टॉप रोड दिख रहा है जिसको देखकर हौसला बुलंद हो चुका है, बाइक गिरने के चांस बहुत ज्यादा क्योंकि रेत है यार, 10 की स्पीड में चलानी पड़ रही है दोनों पैर लगा के, और उसने बोला था ये रोड फिर से ऊपर चढ़ेगा, हमें नीचे जाना है। हाँ हाँ यही, भाई साहब इतना ज्यादा एडवेंचर मैंने कभी नहीं किया, सर ऊपर रुक सके पता नहीं क्यों, यही जाएगा नीचे रास्ता, घूम घूम के। सो गाइस यार यहाँ से व्यू देखो, रोड कैसे जा रहा, मतलब वहां से फिर वहाँ ब्लैक टॉप रोड, फिर हम लोग नीचे उतरेंगे पहाड़ में, पहाड़ के नीचे वैली, और वहाँ मेरे को रोड दिख रहा है शायद वही जाने वाला है सीधा उमलिंगला टॉप तक। तो गाइस देखते हैं कौन सा रोड जाएगा, भाई साहब व्यू तो एक नंबर का है, पर रोड बहुत खतरनाक है, छोटी सी गलती और आप सीधा नीचे। उतरते टाइम गाइस एक पुल आता है जिसके नीचे से वाटर क्रॉसिंग जो है निकाल दी गई है, अच्छा हुआ रास्ता सही है, वरना यहाँ पे वेट करना पड़ता। और सैल्यूट यार इन लोगों को जो इतने कड़े टेरेंस में भी काम करते हैं। राइट साइड में देखो कितनी गहरी खाई है, और वो रोड जा रहा उसके थ्रू ही जाना है, भाई यार गजब, इससे ज्यादा एडवेंचर भाई मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। फाइनली 50 किलोमीटर ऑफ रोड करने के बाद ब्लैक टॉप रोड दिख चुका है, और भाई साहब ऐसा लग रहा था ऊपर से कि पास में ये ब्लैक टॉप, लेकिन नहीं, कम से कम भी 20 किलोमीटर था, यूं रास्ते घूम घूम के जाते हैं ना बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाता है यार, ऐसे ही लगता है। अब होप्स हो कि उमलिंगला तक ऐसा रोड मिल जाए, चढ़ाई कितनी भी हो मजा आ जाएगा, सीधा और बहुत ज्यादा कर्व, बहुत सीधा है और बहुत ज्यादा कर्व ही रोड है, मतलब सीधा जाएगा तो बहुत सीधा जाएगा, कर्व आएगा तो बिल्कुल एकदम यू टर्न आएगा, ऐसा सा रोड है ये फोटीला का। अभी हम लोग क्रॉस करके आए हैं फोटूला, और यहाँ से उमलिंगला जो है वो है 37 किलोमीटर अप्रोक्स सीधा जाना है, 10 किलोमीटर उसके बाद 27 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, तो जल्दी हो जाएगा। फोटाइल यहाँ से 0 किलोमीटर, मतलब फोटीला पास ऊपर था, फोटाइल यहाँ से 0 किलोमीटर यही है, और यहाँ से चिशुमले जो है वो है 12 किलोमीटर। फाइनल गाइस रोड मिल चुका है, शॉर्टकट मारते हुए आए थे थोड़ा सा, जैसे वो शॉर्टकट ऊपर से इतना नीचे आ रहा है, इतना लंबा तो नहीं मारा, छोटा सा शॉर्टकट मारा था, और हम लोग आगे सीधा डायरेक्ट रोड पे। जो रोड जाएगा वो सा डैम चौक वाला है जिसपे कल रात हम लोग भटक गए थे, वही वाला रोड ये है जो कि सीधा जाएगा नरबुला टॉप, और उसके बीच में आएगा चिशुमले और नरबुला टॉप के बीच में उमलिंगला का रास्ता है जो कि लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़ेगा, तो उस बात का हमको ध्यान रखना है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आर्मी का बेस कैंप है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सामने हमको एक विलेज वगैरह दिखा था जहाँ पे शायद कुछ खाने पीने मिल जाएगा, चाय कॉफी वगैरह पीते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा ब्रेक खाना वाना खाते हैं फिर निकलते हैं, अगर मिल गया तो, नहीं मिला तो हमारे पास पीछे सामान बंधा हुआ है वो खा लेंगे रास्ते में उमलिंगला चढ़ने से पहले, क्योंकि गाइस गात में यानी कि शरीर में एनर्जी होना जरूरी है। और यहाँ से चिशुमले जो है वो है 11 किलोमीटर, तो चलो एक बार 11 किलोमीटर नाप देते हैं, उसके बाद फिर 1-2 किलोमीटर बाद ऊपर का रोड आ जाएगा उमलिंगला टॉप का।
पहले जरूरत है आपको ये ब्रिज दिखाई देगा कुछ इस टाइप का और यहाँ से सीधा आएगा उमलिंगला टॉप के लिए रास्ता शिशुमले के बाद और यहाँ शिशुमले जो है वो रह चुका है 10 किलोमीटर और उमलिंगला है 35 नरबुला टॉप है नरबुला टॉप 27 जाते टाइम नरबुला टॉप से जाएंगे पहले एक बार उमलिंगला कर ले भाई साहब आई थिंक आई विल द फर्स्ट वन टू क्रॉस उमलिंगला ऑन 100cc बाइक और 100cc पल्टीना मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पे अभी तक किसी ने डाला है कि उमलिंगला टॉप से ने क्या 100cc से और गाइस आज का डेट जो है वो है 23rd June पहले भी कर लेता यार लेकिन पहले कुछ दिक्कत हो गई इसमें बैक में जो है पेन होता है बाइक चलाते टाइम अभी वो पेन थोड़ा सा रिलीफ है उसमें अभी बिल्कुल ओके है परफेक्ट है हिमांग का प्रयास लद्दाख का विकास बहुत सही बियारो चलो गाइस चलते हैं सामने एलिवेशन ही है 4th गियर फुल स्पीड 20 की स्पीड टॉप 21 उमलिंगला 29 क्यों यार माँ कसम टायर बीच में फंस गया था मेरा मेरा तो डाका लागो गोला बूंदा इस पुल पे बच गया हाँ गया उसके ऊपर मेरा तो घना भी गड़ा है मेरा उसके बीच में चला जाता मैं तो बड़े तक आपके पीछे चलो कोई ना जो होता अच्छे के लिए होता है यहाँ से है 500 किलोमीटर नहीं भाई 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर और यहाँ पे मेरे को मिलिट्री बेस कैंप भी दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा और सर क्यों नहीं रुक रहे चाय वाय पीनी है यार रुको अच्छा ये तो मिलिट्री कैंप है मिलिट्री कैंप बेस कैंप है जैन सर बढ़िया सर चाय पानी नाश्ता मिलेगा इधर कहीं कुछ नहीं है चलो ठीक है सर यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला गाइस चलो सीधा उमलिंगला टॉप सीधा यहाँ पे भाई कुछ नहीं मिलने वाला शिशुमले में सो गाइस ये सीधा जाएगा डैम चौक और जूसार सामने 52 है नरबुला टॉप भी सीधा 17 किलोमीटर है और यहाँ से ऊपर जब जाएंगे हम तो हमको मिल जाएगा उमलिंगला यहाँ पे लिखा भी हुआ है गेटवे टू उमलिंगला पहले कुछ भी नहीं था अब तो बहुत सारी मार्किंग यहाँ पे कर दी गई है पहले तो भाई बंदे सीधा चले जाते थे लेकिन जो ब्रिज आता है ना यहीं से जाता है उमलिंगला के लिए रास्ता और यहाँ से उमलिंगला की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है अप्रोक्स 17-18 किलोमीटर है लगा देंगे आराम से वो तो देखते भाई कितनी चढ़ाई है कितनी नहीं है और आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी वेलकम टू वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड सर आर यू रेडी वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला टॉप जो मेरी ड्रीम राइड थी 100cc से उसका सफर जो है वो चालू हो चुका है यहाँ से अप्रोक्स 18-19 किलोमीटर 17-18 किलोमीटर है बस ऊपर और फिर वापिस आते हैं देखते हैं कहाँ पे स्टे करेंगे मेरा तो आइडिया है कि सोकर या फिर उससे पहले आता है सोमा वहाँ पे स्टे करें देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है अभी टाइम हो चुका है 4 बज चुके हैं जल्दी से वापिस भी आना है तो चलो गाइस चलते हैं जल्दी से ऊपर यस लेट्स गो एक सेकंड हेलो आदम सर सो गाइस जैसे डैम चौक जो है वो है 50 किलोमीटर पहले मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता डैम चौक 50 किलोमीटर कैसे हो सकता है लेकिन डैम चौक जो है गूगल मैप पे लिस्टेड नहीं है ना एप्पल मैप पे डैम चौक जो है पहले पड़ता है चाइना बॉर्डर से चाइना बॉर्डर के पास जो पड़ता है वो पड़ता है डैम चौक तो चलो चलते है गाइस सीधा उमलिंगला टॉप तक जाएंगे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे ना तो होम स्टे ना कुछ है और पेट्रोल भी आधी से भी कम टंकी हो चुकी है 40 टॉप पे बहुत ज्यादा पेट्रोल लग गया है यार एक्सपेक्टेड नहीं था नहीं तो मैं फुल टैंक करा के चलता मेरे में इतना पेट्रोल था कि 400 किलोमीटर चल जाएगी लेकिन अभी के हिसाब से अप्रोक्स 150-200 किलोमीटर चल पाएगी और यहाँ से गाइस उमलिंगला टॉप की चढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है राइट साइड में वैली जो है वो चालू हो चुकी है अभी तो यार चढ़ाई स्टार्ट ही हुई है राइट साइड में खतरनाक वैली जो है मेरे को दिखनी स्टार्ट हो चुकी है आगे तो यार पता नहीं क्या होगा होप्स हो कि सब कुछ अच्छा ही हो हिमांक प्रोजेक्ट हिमांक के अंदर ये पूरा रोड जो है वो बनाया गया है उमलिंगला है 21 किलोमीटर उमलिंगला टॉप 21 किलोमीटर और जाना है 21 किलोमीटर यानी कि एक घंटे में पहुंच जाएंगे 20-30 की स्पीड ही मेंटेन होगी शायद उससे भी कम देखते कब तक पहुंचते हैं सामने राइट लेफ्ट कर्व आ चुका है भाई साहब वैली राइट साइड में मेरा तो मन भी नहीं कर रहा राइट साइड देखने का और वो क्या सामने बर्फ है क्या भाई शायद ऊपर बर्फ भी मिल सकती है उमलिंगला टॉप पे ज्यादा चांसेस नहीं है पर हाँ 1% चांस है कि मिल सकती है राइट साइड में अरे भैंस की आंख पत्थर आ गया था बच गया राइट साइड में वो बर्फ भी दिख रही है मेरे को देखते हैं वो बर्फ है या फिर क्या है जी हाँ गाइस राइट साइड में जो ये पड़ा है वो बर्फ तो नहीं लग रहा यार क्योंकि पानी इनका नहीं बह रहा कुछ हो रही है ओ भाई साहब हाँ बर्फ ही है भाई क्योंकि पानी मेल्ट होते हुए दिख रहा है यहाँ पे बस बर्फ है ऊपर तक कुछ भी नहीं है हो आते टाइम देखते हैं इसको अभी जल्दी से ऊपर चढ़ना है फर्स्ट गियर में फुल थ्रॉटल और बाइक चढ़ती जा रही है कोई दिक्कत नहीं आ रही डैम चौक है 47 किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर हम लोग आज 3-4 किलोमीटर अभी थोड़ा सा और चलना है ऊपर चलो भाई चलते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास पे हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल अभी गाइस आ चुके 4 किलोमीटर अंदर और बाइक जवाब देना स्टार्ट कर चुकी है मतलब चलती तो जा रही है लेकिन फुल थ्रॉटल पे भी 20-25 इतनी स्पीड पकड़ रही है बस पल्टीना तेरे को आज उमलिंगला चढ़ना है ऐसा मत कर थोड़ी चल ले यार अभी तो तेरे में वेट भी नहीं है ज्यादा पेट्रोल का क्योंकि टैंक भी ऑलमोस्ट
3 या फिर 3.5 लीटर पेट्रोल ही होगा, जिसके थ्रू मैं 4 लीटर हुआ तो 728 300 किलोमीटर और जा सकता हूँ, 3 लीटर हुआ तो 21 210 किलोमीटर जा सकता हूँ। लेकिन पहाड़ी एरिया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 150-200 और चल जाएगी, वहां से मैं वापस भी बहुत आराम से आ जाऊंगा। तो देखते हैं यार, बाकी यार व्यू देखो बहुत कमाल का है। बाकी मेरे को बहुत दिन हो गए ये बोलते हुए, व्यू देखो मतलब बहुत दिन बाद बोला यार। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं, अप्रोक्स 500-600 फीट, और ठंडी हवा जो है वो लगना बहुत तेज से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब बहुत ठंडी हवा लग रही है। अच्छा मैंने मोटे कपड़े डाल रखे हैं और दो तीन तीन डाल रखे हैं, उसका पूरा फायदा मिलने वाला उंगली का टॉप पे। अभी तो यहाँ से कम भी 12-13 किलोमीटर रहता होगा, करते हैं कवर जल्दी से। और यहाँ पे लिखा है हिमांग केंद्र प्रोजेक्ट है, बी अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट, बहुत बड़ा सैल्यूट आपको। ओके दो घंटे रुके रहे, 2 घंटे हम पोस्ट पे भी 3 बार एंड गए, वो तो हमने उल्टा भेज दिया उसकी बाइक ना चढ़े थी बने बताया अंकल आप जितनी जल्दी उसका नहीं, आप उस पोस्ट पर जाओ जेडे रास्ता पाटना था, वो भाई उड़े बैठे अकेला हम तो नमकीलापन आए ऊपर ना आए फोटीलापन, आप ऊपर को आए नीचे को ऑफ रोड पर ले जाओ, फायदा नहीं है ऊपर को, 2 घंटे खराब होंगे 2 घंटे। वो तो नरबुला टॉप होगा, उड़े को ले जाओ, फायदा उड़े को है। सो गाइस हमारे 2 राइडर पे मिल चुके भाई, पता नहीं कैसे यार आगे छोड़ के भागे थे ये लोग हमको। सो गाइस ये जो 2 राइडर हमको मिले थे हमारे ग्रुप के थे भाई यार, कम से कम 2-2.5 घंटे हमने वेट किया, हर तरफ चक्कर काटे, लेकिन ये लोग छोड़ के भागे थे, मेरे को ऐसा लग रहा है। पर कुछ भी हो सकता है, हम थोड़ा सा आगे पेट्रोल लेने चले गए थे, हो सकता है इन लोगों को ना दिखे हो और इनको लगा हो कि हम ऑफ रोड वाले रास्ते से जा चुके हैं, लेकिन हम तो टॉप वाले रास्ते से आए हैं। कौन सा टॉप था? फोटला टॉप वाले रास्ते से आए हैं। और यार ये लोग आए ऑफ रोड से बहुत सही आ गए, हमको पूछ रहे थे कहाँ से जाना चाहिए, तो मैंने बोल दिया भाई नीचे से जाओ, हम भी नीचे से जाएंगे, ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं। आपने देखा हो कितनी ज्यादा मशक्कत हुई है, टायर लगा लगा के बाइक चलानी पड़ी है, इनकी तो बुलेट हैवी बाइक है, अगर टायर धस गया तो दिक्कत हो जाएगी, और इनपे तो भाई ओवरलोड भी है, मतलब ये साइड में स्टील उटील के जार लगवा रखे जिनमें सामान है, तो नीचे से जाना सही रहेगा, हम भी नीचे से ही जाएंगे। 4 बंदे साथ में हो चुके हैं, अभी हमारा जो लूमा पोस्ट मीटअप रहने वाला है, हमारा स्प्लेंडर वाला भाई जो है वो वही उसी वाली पोस्ट पे बैठा है, 2 बंदे भी पहुंच जाएंगे और सबसे लास्ट में हम लोग पहुंचेंगे उमलिंगला टॉप करके। तो ये थोड़ी सी आज यार बकलोली हो गई, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं यार, इतना सब चलता रहता है, इतने बड़े लद्दाख में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई बात नहीं, निकलते सीधा उमलिंगला टॉप। सो गाइस यहां पे लिखा है फर्स्ट व्यू ऑफ उमलिंगला, और शायद ऊपर जो बर्फ दिख रही है वही उमलिंगला होने वाला है, आई थिंक उमलिंगला वही लग रहा मेरे को, वो ऊपर आपको अल्ट्रा वाइड में दिख रहा होगा। भाई साहब उमलिंगला की चढ़ाई पे कितना रिंग रिंग के चढ़ रही है बाइक, पर शुक्र है कि चढ़ रही है, रुक नहीं रही है, पीछे बोल रहा था माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंची जगह पे है, ऊंचाई पे है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है। भाई देखो फर्स्ट गियर में चलानी पड़ रही है कर्व पे, और फर्स्ट गियर में अप्रोक्स 3-4 किलोमीटर चला लियो कि मैंने पीछे, लेकिन सारी चीज दिखा नहीं सकता ना। रोड्स आर हाई, वैलीज आर डीप, सोक देम इन बट सेफ यू मस्ट कीप, बहुत बढ़िया गाइस, पहले गियर में चढ़ रही है, दूसरा गियर लगा रहा हूं, देखो क्या हो रहा है, रेस तोड़ रही है पूरी। 19,024 फीट टूरीज, 19,024 फीट, मतलब 19,024 फीट और जाना है, मतलब समझा नहीं यार मैं इसका मतलब क्या था, 19,024 फीट टूरीज, 19,024 फीट। फील द कर्व बट डोंट हग देम, जो कर्व उनको फील करो पर उनको गले मत लगाओ। डैम चौक है यहाँ से 32 किलोमीटर, और मैं भाई बिल्कुल रिलैक्स होकर टांग आगे करके चल रहा हूँ फर्स्ट गियर में हाफ थ्रॉटल के साथ, क्योंकि सेकंड गियर जब मैं लगाता हूँ ना, ये देखो पूरी स्पीड तोड़ दी भाई गाड़ी ने, पूरी स्पीड चढ़ेगी ही नहीं, फर्स्ट गियर में चढ़ना पड़ रहा है, आराम से मजे से जाएंगे, 1 घंटा लगेगा एक दिन ऐसे ही जाएंगे भाई, और कैसे जाएंगे, दूसरा कोई चारा ही नहीं है, हाफ थ्रॉटल फर्स्ट गियर। You bruise, you cruise, you lose. क्रूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन 5 की स्पीड पे। So guys, finally, मंजिल काफी पास आ चुकी है, वो वहाँ पे मेरे को उमलिंगला टॉप दिख रहा है, और बस सीधा रास्ता है, एक दो कर्व और है, अप्रोक्स 2.5-3 किलोमीटर होगा, तो यार एक्साइटमेंट रुक नहीं रही है उमलिंगला टॉप देखने के लिए। सामने बर्फ भी है भाई, बर्फ, लेकिन शायद हम लोग बर्फ से नहीं आने वाले, अभी सेकंड गियर में कैसे चलेगी भाई, ऊपर आते ही थोड़ा सा सीधा रास्ता होगा, तो चलो भाई चलते सीधा। 1000 मीटर टू रीच उमलिंगला, यानी कि 1 किलोमीटर और है बस सामने, और गाड़ी
सेकंड गियर अभी चल रही है। और गाइस यार क्या बताऊं, खुशी तो नहीं होगी ना वहां जाके 100 cc प्लैटिना से उमलिंग ला टॉप करना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एवरोक्स 15 किलोमीटर से मैं फर्स्ट गियर में ही चलाते ला रहा हूं, अभी तक सेकंड फर्स्ट में जा रही है। और भाई पेशेंस लेवल आपको बहुत ज्यादा होना चाहिए, फर्स्ट गियर में जब 5 की स्पीड में चलेगी ना आप भी सोचोगे क्या यार वापिस चलो नहीं जाना ऊपर, तो वो सब नहीं होना चाहिए। अभी देखो सेकंड गियर में लोड मान रही है, फर्स्ट गियर करो आराम से रिलैक्स होकर चलो। उमलिंग ला टॉप शायद आ चुका है, बाइक जो है फोर्थ गियर में चल रही है, फास्ट थ्रोटल 30-40 की स्पीड। और गाइस सामने मेरे को उमलिंग ला टॉप दिख रहा है, भाई मस्त भाग रही है यहाँ से, अप्रोक्स 45 की स्पीड होगी, लेकिन स्पीडोमीटर मेरा नल है, जीरो दिखा रहा है। यू आर 500 मीटर फ्रॉम वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, 500 मीटर में है बस, 500 मीटर क्या होता है, कुछ भी नहीं, अभी पहुंच जाएंगे। ओ भाई साहब बंदी कर ली, देख लिया मैंने, एक्साइटमेंट वाला पता नहीं, यहाँ पे सलग जाता ताकि गिरता तो नहीं, इतनी ज्यादा भी वो नहीं थी ढलान। हो उमलिंग ला टॉप, मेरे को लग रहा है मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी को दिखाऊंगा नहीं। यस फाइनली गाइस, हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल, हिमांक उमलिंग ला टॉप 19,024 फीट, ब्रो वेलकम यू टू द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। फाइनली गाइस 100 सीसी से उमलिंग ला टॉप कर दिया है, आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम इंडिया आई थिंक, बाकी कुछ भी हो सकता है। चलो यार फोटो सेशन करते हैं फिर निकलते, ज्यादा देर रुकना यहाँ पे समझदारी की बात नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी पोस्टिंग यहाँ पे कब से है? 2 साल से। आज तक आप वो बताओ तो कोई 100 सीसी से आया है यहाँ तक, छोटी बाइक से कोई आया आज तक बताओ तो? आपको प्लैटिना से कोई नहीं आता, स्प्लेंडर से रॉयल से आते ज्यादा। तो सर ने बताया प्लैटिना से आज तक कोई नहीं आया है, 2 साल से पोस्टिंग है और पास ही यार पिछले साल ही खुला है। तो यस आई एम द फर्स्ट वन टू रीच उमलिंग ला टॉप फ्रॉम 100 cc। हो कोई ना आया आज तक 100 cc तक, फौजी बताओ कोई ना आया? चटी गिर गया सियाचिन में पाकिस्तान का, वहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप ज्यादा हो गया ना। चले सर बाइक टाइम दिखा रही है 4:32 यानी कि 4:30, फोन टाइम दिखा रहा है कितना दिखा रहा था 6:54, 7 बज चुके चाइना में, इंडिया में है 4:30। तो चलो भाई निकलते जल्दी से, 15 मिनट हो चुकी है, उमलिंग ला टॉप को बाय बाय बोलते हैं, लास्ट बाय बाय और निकलते हैं यार यहाँ से। भाई साहब मजा ही आ गया, 100 cc से उमलिंग ला टॉप कर दिया। यहाँ पे उमलिंग ला टॉप है 19,024 रोड टू चाइल 18953 मान पास इतना सब लिखा है, वरीला है 17,028 फीट। चलो भाई निकलते, वो रोड है जिस रोड से आए थे उसी रोड से जाना है, आराम से जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, जाते टाइम डाउन स्लोप है पूरा, आधे घंटे नीचे पहुंच जाएंगे, आते टाइम 1 घंटा लग गया था। बात करो नॉर्मल ठंडा है 7-8 डिग्री टेम्परेचर होगा, इतनी भी ज्यादा ठंड नहीं है, ग्लव्स में डालने रखे जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि हाथ काम कर रहे हैं। और भाई साहब लेफ्ट साइड आइस पड़ी है थोड़ी सी दूर है, वरना हाथ में लेके, हाथ में नहीं लूंगा यार काट दूंगा, मैं ली थी हाथ की ऐसी तैसी हो गई थी पूरा जम गया था, अभी मैं गलती नहीं करने वाला फिर से। तो हमारे 3 राइडर जो है वो हमको न्यूमा में मिलेंगे और बाइक में फ्यूल भी 2 डंडे है यानी कि 150 किलोमीटर और चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हालने जो है वो 60-70 किलोमीटर अप्रोक्स है, 80 हो जाएगा ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं है। हालने में पेट्रोल ले लेंगे, ओपन पेट्रोल मिलता है वहाँ पे, मिल रहा था 110 रुपए में 750 ml और 5 लीटर लोगे तो 770। राइट साइड में क्या खाई है, एक तो डाउन स्लोप ऐसे ही है और ऊपर से टर्न आता है लेफ्ट साइड का, यानी कि राइट साइड में अगर थोड़ा सा भी झुके तो सीधा नीचे ही मिलोगे। चलो गाइस हमारे 2 राइडर जो है यहाँ पे मिल चुके हैं, यही पे हमारा वेट कर रहे थे 1 घंटे से, थैंक यू इनको। और अभी हम लोग जाने वाले हैं नरबुला टॉप होते हुए सामने एक मंदिर आएगा, मंदिर से हमें राइट होना है, आर्मी वालों ने डायरेक्शन बताई है वहीं से हम लोग जाएंगे। तो गाइस अभी रास्ते पे है नरबुला टॉप के, नरबुला टॉप हम लोग चढ़ने वाले हैं, वहां से फिर जाएंगे हानले। नरबुला टॉप यहाँ से रह चुका है 5 किलोमीटर ओनली और बाइक को यहाँ पे चढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, थर्ड फोर्थ गियर में चल रही है, कभी थर्ड में कभी फोर्थ में, कभी थर्ड में कभी फोर्थ में, कच्चे रास्ते से हम लोग चले जाएंगे सीधा हानले। हानले से फिर लुमा बैंड में जाना है, लुमा बैंड में जाने के बाद एक आगे आता है न्योमा, न्योमा में जाके स्टे करेंगे, टाइम रहते अगर पहुंच गए तो ठीक है, अगर थोड़ा टाइम बचा तो न्योमा से आगे सोकर है, सोकर अप्रोक्स 80 किलोमीटर होगा यार, वहीं स्टे लेना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ स्टे लेंगे। और भाई अभी जो है सारी चीज जो है कंप्लीट हो चुकी है, खाट दूंगला सारे पास हो गए, खाट दूंगला उमलिंगला बारालाजला तंगलांगला ये सब हो जाएंगे रास्ते में ही जाते टाइम, अभी बस मेरे को जल्दी है घर जाने की, किसी तरह जल्दी से घर पहुंच जाऊंगा। भाई फर्स्ट ईयर में गाड़ी आ चुकी है, वहाँ पे आपको जो गाड़ी दिख रही है अगर दिख रही है तो वही नरबुला टॉप आई थिंक, 5 किलोमीटर से घूम के जाना है। सो गाइस अभी पहुंच चुके थे नरबुला टॉप पे, फोटो वोटो क्लिक कर लिए हैं, निकलते हैं हानले के लिए।
चलो खींच देते हैं भाई, सूर्य देवता नीचे जाएंगे तो ठंड बढ़ जाएगी। तो गाइस ये जो है मंदिर आ चुका है, शायद यही मंदिर बोल रहे थे आर्मी वाले, यही से ये रास्ता जाएगा, कच्चा रास्ता। यो अंकल यो बताओ तो, वो लिख रहा ले राइट साइड। तो गाइस यहीं से हमको राइट होना है हानले के लिए, यहाँ पे शायद कोई नहीं है। सो गाइस चढ़ाई यहाँ पे खड़ी आ चुके, पूरा ऑफ रोड रास्ता है और फर्स्ट गियर में हाफ थ्रोटल पे बाइक चल रही है, पूरी जान लगा रही है यार बाइक। तो यार पता नहीं कहाँ तक ये ऐसा रास्ता, मतलब पूरा हानले तक ही चलने वाला है वैसे तो। तो गाइस देखो यार मतलब कैसा रास्ता है, पहाड़ की मतलब वैली सी है एक छोटी सी टाइप की, बीच में से गाड़ी वाड़ियों ने रास्ता बना रखा है, और जो की सही बात है शॉर्टकट पड़ता है हानले के लिए, उतना भी खराब नहीं है। 30-40 की स्पीड पे बाइक आराम से चल रही है, भाई साहब क्या ही व्यू आ रहा है यहाँ से। सो गाइस हमको ये रास्ता लेके आ चुका है बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, उसके आगे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे थोड़े से ऊंचे पहाड़ है और ये कच्चा रास्ता पूरा हानले, शायद वो दिख रहा है, देखता हूँ एक बार मैप में वो हानले या फिर सीधा आएगा। टाइम हो चुका है 7 PM लग रहा है आपको, मतलब 7 बजे तो अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल एरिया में, हिली एरिया में 8 बजे तक उजाला ही रहता है। और भाई साहब हमें कम से कम भी 2 घंटे और लगेंगे, 7 और 2 9 बजे तक अपने होम स्टे तक पहुंचेंगे। रेत के मैदान में भटकते हुए जा रहे हैं, सीधा सीधा भटके तो नहीं है, सीधा ही गाँव आएगा, बीच में गाँव आएगा, फिर आएगा राइट साइड में हानले, हानले है। सामने गांव आ चुका है, यहाँ से हानले अप्रोक्स 5-6 किलोमीटर है, तो चलो चलते हैं। हानले से निकल चुके हैं और सामने का व्यू देखिए भाई, सनसेट होता हुआ, मतलब सन तो दिख नहीं रहा है, वहाँ से जो रोशनी आ रही है ना एक नंबर लग रही है भाई। और टाइम अभी हो चुका है 8:30, 8:30 तक यहाँ पे हल्की हल्की सनलाइट रहती है। 70 किलोमीटर और कवर करना है, यहाँ से लोमा पोस्ट है 50 किलोमीटर, उसके बाद फिर 18 यानी कि 68। तो भाई ये लोमा से पहले एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे फौजी कल रात भी परेड कर रहे थे इस टाइम और आज भी कर रहे हैं। भाई साहब इतनी रात को भी ये लोग मतलब ड्यूटी करते हैं अपनी अपनी, सबके हाथ में गन्स हैं, सोचो सपने मेरे पे चला दी यार, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए। भाई साहब बहुत सारे हैं भाई बहुत, ये हर रोज, कल रात को हम लोग आए थे तब भी परेड कर रहे थे या फिर ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे, और आज भी कर रहे हैं, शायद ये डेली करते हैं या फिर इनकी वही इवनिंग वॉक होगी। अभी टाइम हो चुका है 9:30 चुके होंगे। सो गाइस आ चुके हैं लोमा बैंड, और गाइस यहाँ से बस 18 किलोमीटर और है, टाइम पता नहीं क्या हो चुका, कितने घंटे लगे कितने नहीं लगे, चलते जा रहे बस नॉन स्टॉप, और उमलिंगला से नॉन स्टॉप ही चलते आए हैं, बस बीच में 5-10 मिनट रुके होंगे मुश्किल से। और यहाँ पे भाई स्प्लेंडर खड़ी है क्या, अरे भाई खड़ी तो। तो गाइस कल रात हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे लोमा पोस्ट पे, और यहीं पे हमने कैंपिंग की थी, टेंट लगा ली थी, एक बंदा अंदर सो गया था, 4 बंदे कैंप में, टोटल 5 लोग थे। तो अभी गाइस प्रिपरेशन हो चुकी है, सुबह निकलते हैं। तो चलो यार बस आज के व्लॉग में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।